जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपको बता दें, ये समाधान सिर्फ वो समाधान है जिनके माध्यम से पाइल्स में आपको इंस्टेंट आराम मिल जाता है। पाइल्स के इलाज के लिए जिन जड़ी बूटियों की जरूरत होती है, हम उस संबंध में अगला वीडियो कुछ ही दिनों में रिलीज करेंगे। पाइल्स में इंस्टेंटली फायदा पाने के लिए ये उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं वो उपाय। खूनी बबासीर में नींबू बीच में से काटकर उसमें लगभग 4 या 5 ग्राम कत्था पीसकर डाल लीजिए। इन दोनों टुकड़ों को रात में छत पर खुला रख दीजिए। सुबह उठकर दोनों टुकड़ों को चूस लीजिए। इस प्रयोग को 5 दिन तक कीजिए। पाइल्स में फायदा जरूर मिलेगा। नीम के छिलके सहित निम्बोरी यानी नीम के पेड़ पर आने वाला फल और उसके अंदर का बीज, उसके पाउडर को प्रतिदिन 10 ग्राम रोज सुबह रात में रखे पानी के साथ सेवन कीजिए। इससे फायदा होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए, इस नुस्खे को अपनाते वक्त आपके खाने में देशी घी का उपयोग नहीं होना चाहिए। खूनी बवासीर में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को ताजा मक्खन के साथ लीजिए। इसे लेने से भी बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। जीरे को पीसकर मस्सों पर लगाने से फायदा मिलता है। इसके साथ ही जीरे को भूनकर मिश्री के साथ मिलाकर चूसने से भी फायदा मिलता है। पके हुए केले को 2 टुकड़ों में काटकर उस पर कत्था पीसकर छिड़क लीजिए। इन टुकड़ों को रात में खुले आसमान में रख दीजिए। सुबह उठकर केले के टुकड़ों को खाइए। इस क्रिया को 1 हफ्ते तक कीजिए, बवासीर ठीक हो जाएगा। आंवला पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बवासीर की समस्या होने पर आंवले के चूर्ण को सुबह शाम शहद के साथ पीने से फायदा जरूर मिलेगा। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।